ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला से बड़ी खबर ही बता दें कि सिंगरौली में इस समय आपराधिक मामले की अगर बात की जाए तो 150 अधिक फरार आरोपी ऐसा है जिनका पकड़े में सिंगरौली पुलिस नाकामयाब है जिसके बाद सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के द्वारा अलग अलग थानेदारन का फरार अपराधीन का पकड़े में नाकामयाब हुए के मामले में फटकार लगाई गई और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कही गई है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सर्वजनिन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दें कि बात की जाए अगर विंध्य के सिंगरौली जिला के तो जिला में बता दी कि 150 से अधिक फरार आरोपी ऐसा है जिनका पुलिस का तलाश है। SP के सख्ती के बाद थाना स्तर में अब आरोपी की सूची तैयार की जा रही है जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनका जल्दी गिरफ्तार जिला के थाना क्षेत्र से मारपीट चोरी छेड़छाड़ दुष्कर्म सहित हत्या और हत्या के प्रयास के अपराध का अंजाम देके आरोपी फरार चल रहा है और एकर खुलासा अपराध समीक्षा बैठक के दौरान था। SP मोहम्मद यूसुफ कुरैसी के द्वारा थानेदारन का सख्त निर्देश दिन के यहाँ के फरार आरोपी के जल्दी गिरफ्तारी करा पुलिस टीम का अलग अलग स्थान में दबिश दे खातिर रवाना करा और पुलिस तंत्र का बेहतर बनावा तमाम निर्देशन के बाद जब पुलिस कर्मी सक्रिय नहीं भे तो इसने बाद थाना के औचक निरीक्षण करे खातिर सिंगरौली जिला SP पहुंच गए। बतावा जाते कि कई गंभीर अपराधन में फरार आरोपी की गिरफ्तारी खातिर पुलिस के द्वारा इनामों घोषित कीनगा है बावजूद एक अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो उनके कहो न कहो पुलिसकर्मी के लापरवाही का दर्शावत है। जिला भर में महीनों 150 से ज्यादा ऐसा आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी खातिर दस्तक नहीं दी जा लाया गया दबिश देह के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिला के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक मामला लंबे था जहां के फरार आरोपियों का पकड़े खातिर पुलिस कर्मी ज्यादा हाथ पर चलावे की कोशिश नहीं करा। स्थिति यह है कि वारदात का अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाता फैक्ट फाइल की अगर बात की जाए तो फरार आरोपी बैढ़न में 21 विंध्यनगर में 8 फरार आरोपी हैं जिनकर गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। मोरवा में 14 आरोपी फरार चल रहे हैं। बरगवा की अगर बात की जाए तो हालत और खराब है। बरगवा में 16 आपराधिक वारदातन का अंजाम दे के बाद ये आरोपी फरार हैं। नवानगर में 6 तो माड़ा में 11 आरोपी फरार चल रहे हैं। सरई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सरई में आपराधिक गतिविधि का अंजाम दे के बाद 22 आरोपी फरार चल रहे हैं। वही जियावन में 21 आरोपी फरार हैं। चितरंगी थाना की अगर बात की जाए तो 17 आरोपी फरार हैं। गढ़वा में 13 और लंघा डोल में 3 आरोपी बता दी कि फरार चल रहे हैं। ASP शिव कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया कि फरार आरोपी की सूची थाना में तैयार हो चुकी है। दूसरे जिला में गिरफ्तारी खातिर पुलिस टीम दबिश दे खातिर गई जहां अलग अलग टीम के द्वारा अलग अलग राज्य में आरोपी के पकड़े खातिर दबिश दिन जाला है। हालांकि सिंगरौली में थानेदारन का पुलिस अधीक्षक के फटकार के बाद अभी 150 फरार आरोपी में से कितने आरोपी जहां पुलिस के गिरफ्त में आवत हैं ये देखने वाली बात हुई। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।